ये देखिए इसमें आग लग गया, क्लोज करके दिखा दो। यहाँ से एक एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। और भी थोड़ा पेपर डालो इसके अंदर, बड़ा वाला बल्ब भी जला के दिखा दो जो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं ये कितना बेहतरीन है, ऑन ऑफ। सिर्फ ये वन प्रेस किया और इस पर ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगा, मतलब ये बूथ में कॉल आएगा और अलर्ट करेगा। ये देखिए वार्निंग अलर्ट, आपको और हम क्लोज से दिखा देते हैं। वार्निंग अलर्ट का एक कॉल आ रहा है, इसका मतलब कि हमें जैसे सोनू अभी वायरल हो रहा है और जो छोटी बच्ची जिसका एक पैर नहीं वो वायरल हो रही है। सोनवा के पास मानते हैं कि ज्ञान है, वो बोल पाता है ठीक से, वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया तो वायरल हो गया। इन बच्चों को कौन देखेगा जो इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रखे हैं, जो कि एक बार आप इसके प्रोजेक्ट को देख लेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि इतना 15 साल के एज में इतना अच्छा अच्छा ये प्रोजेक्ट करके रखा हुआ है। रूम आप देख सकते हैं कितना छोटा इसका रूम है, फिर भी ये इतना अच्छा सा प्रोजेक्ट कर रहा है। ये अपने देश के सैनिक के लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और प्लास्टिक से ये जो हमारा बिहार में सबसे ज़्यादा कचरा है, सबसे पहली बात ये कचरा जो भी होगा, जो प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक को ये बर्न करके जला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बात है। और क्लैपिंग करके भी ये जैसे होता है कि साउंड क्रिएट करना या फिर लॉक स्मार्ट लॉक सिस्टम लगाना, ये सारा कुछ ये प्रोजेक्ट में कर चुका है। और एक किसान के लिए प्रोजेक्ट बना रहा है कि फसल जैसे गाय वगैरह चर जाती है बिना मतलब के, तो उसके लिए भी एक वार्निंग बेल ये बना के रखा है। इसमें जो पशु होगा उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा, सिर्फ सेंस करके जो भी किसान होंगे उसको ये अलार्म कर देगा, ठीक है। तो इसमें जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया गया है कि मोबाइल फ़ोन पे इसको कॉल भी चल जाएगा कि आपका खेत में जो पशु है वो एंटर कर रहा था, एक बार जा करके देख लिया। बॉर्डर वाला भी सिस्टम है, अगर कोई घुसपैठिया अगर घुस रहा है वहाँ पे तो वहाँ भी ये अलार्म करे, अलार्म तो बजेगा ही बजेगा, ठीक है। और वहाँ पे वार्निंग बेल भी बजेगी और जो वहाँ पे जो लोकल बॉर्डर का जो चेक पोस्ट होगा, चेक पोस्ट के पास एक वार्निंग कॉल भी जाएगा। तो वो सारा चीज़ अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले राजा जी अपने बारे में बताइए आप। मैं राजा कुमार, मैं लाउड बोलिए जोर से। मैं सलमपुर सैनिक का हूँ, मैं भागलपुर जिला से हूँ, मैं 10th पास हूँ। तो 10th पास है अभी? हाँ। तो अभी सबसे जो अच्छा प्रोजेक्ट आप किए हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आपका कौन सा है? सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है किसान किसान का, जो कि खेती में लग सकता है, जो कि अभी मतलब जैसे जानवरों को भगाने के लिए यंत्र बना रहे हैं, जैसे जानवरों को भी नहीं नुकसान होगा और खेत भी सुरक्षित रहेगा, फसल भी सुरक्षित रहेगा। अभी जो आपका वर्किंग प्रोजेक्ट है, इनका एक वर्किंग प्रोजेक्ट है, ये प्लास्टिक से प्लास्टिक को जला के या फिर कागज को जला करके ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अभी आपको हम लाइव डेमो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस लड़का को भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसका एक शिकायत और भी है कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर कि कोई प्रोजेक्ट का प्रदर्शनी नहीं कराया जाता है, इस वजह से ये विलुप्त टाइप का हो गया है, ये अपना प्रोजेक्ट को शो नहीं कर पा रहा है। तो राजा जी आप जो है ना इस प्रोजेक्ट जो ये आप बनाए हैं, ये यंत्र थोड़ा सा क्लोज करके इस यंत्र को दिखा दो, ये जो यंत्र बनाए हैं इसका कैसे वर्किंग है, कैसे ये काम करता है और ये जो प्रोजेक्ट है कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके बैटरी को चार्ज करता है और एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ये आप दिखाइए एक बार करके हमें। आप लाइव देखिएगा प्रोजेक्ट, ये राजा अभी करके दिखाएगा। देखिए इसके अंदर कागज़ को डाला जा रहा है, कागज़ को डालने के बाद माचिस से इसमें आग लगाया जाएगा, आग लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा यहाँ पे। ये देखिए इसमें आग लग गया, क्लोज करके दिखा दो। यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। और भी थोड़ा पेपर डालो इसके अंदर, बड़ा वाला बल्ब भी जला के दिखा दो जो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, जनरेट होने के कारण ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बल्ब जल रहा है। क्या है कि यहाँ से इसके अंदर ऐसा एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, आग जलने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी जो है ये यहाँ पे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे, ये एसी में कन्वर्ट करके इस बल्ब को जला दे रहा है। राजीव जी ये इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के बारे में एक बार आप बताइए, बस रहने दीजिए ठीक है, इसका एक मैकेनिज्म के बारे में आप बताइए एक बार कैसे ये काम करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है जैसे भी आग या कुछ भी जलेगा प्लास्टिक, आप बैठ के बताइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी पे बैठ के बताइए, अच्छे से बताइए आप इसको, एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। जैसे कि अगर कोई भी प्लास्टिक या अन्य चीज जलाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये इसको ऑफ कर दीजिए एक बार आप, हाँ आप बताइए। तो यही है इसमें कि अगर कोई भी चीज़ जलाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होने के बाद अब बिजली बैटरी में सेफ हो जाता है, सेफ होने के बाद अगर आप किसी भी टाइम इसको उपयोग कर सकते हैं।
कहने का मतलब जो ये मैकेनिज्म आप बनाए हैं, ये मैकेनिज्म आप कैसे बनाए ये नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, ताकि रिवील ना हो। इनका एक मांग ये भी है कि ये प्रोजेक्ट इनके नाम पे पेटेंट किया जाए, ठीक है। पेटेंट अगर इनके नाम पे होता है तो इससे ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो इससे छोटा छोटा इंडस्ट्री हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए, ताकि वहां का जो कचरा है उस कचरे से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। कम से कम सरकारी ऑफिस का तो काम चल ही जाएगा इससे। यस और भी जो आप प्रोजेक्ट किए हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। और सब जो प्रोजेक्ट बनाए, एक रोबोट बनाए थे जो कि स्मार्टफोन से अब चलता है, और दूसरा खेत के लिए बनाए थे, और एक जैसे कि स्मार्ट लॉक बनाए थे कि अपने अपने फोन से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो राजा एक नया प्रोजेक्ट और करके रखे हैं जो बॉर्डर के लिए है। बॉर्डर पे अगर किसी भी तरह का गतिविधि होता है, अगर कोई भी बॉर्डर में टच होने का कोशिश करता है, तो उससे क्या है कि अलार्म एक जनरेट होगा वहाँ पे, जो कि आवाज़ होगा, उससे वहाँ पे सैनिक जो हैं एक्टिव हो जाएंगे। और एक चीज़ ये है कि उसमें मोबाइल फ़ोन का भी एक ऑप्शन लगा करके रखा है कि ऑटोमेटिक कॉल जो वहाँ पे बूथ होगा उस बूथ पे ऑटोमेटिक कॉल जाता है। तो इस चीज़ के बारे में कैसे इसको कर रहे हैं आप, एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा आप। जैसे कि आपने बताया कि ऐसे ऐसे काम करता है, जी हाँ, जैसे कि धोनी होता है, धोनी के जैसे अगर घुसपैठी अगर घुसना चाहे हमारे देश में, तो जैसे धोनी के आवाज़ से ये एक्टिवेट हो जाएगा, और उसमें वायरलेस है, अगर टच भी हो जाए तो ये सेंसर एक्टिवेट कर लेगा, और सेंसर एक्टिवेट करने के साथ जो यहाँ का बूथ है वहाँ पे फिर प्लस कॉल भी चल जाएगा, और उसके अगर सैनिक अगर रात में अगर नाइट में अगर सोया भी रहेगा तो उसके पास अलर्ट बजने लगेगा, अलर्ट बजने के साथ साथ उस सैनिक जा के वो उसको हानि नहीं पहुँचेगा। तो चलिए ये वाला चीज़ जो अलार्म जो जाता है वहाँ पे, जो ध्वनि ध्वनि के कारण अलर्ट करता है, और जो उनके पास जो कॉल जाता है वो कैसे जाता है, एक बार आप करके दिखाइए। ये फ़ोन से आप करके दिखा रहे थे, आप करके दिखाइए। आप कैमरा को थोड़ा क्लोज कर लो ताकि पता चल पाए, लोग देख सकें कैसे। देखिएगा इस पर कॉल आएगा, सिर्फ इस पर वन प्रेस करने के बाद इस पर कॉल आता है। ये देखिए, सिर्फ ये वन प्रेस किया और इस पे ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगा, मतलब ये बूथ में कॉल आएगा और अलर्ट करेगा। ये देखिए वार्निंग अलर्ट आपको, और हम क्लोज से दिखा देते हैं, वार्निंग अलर्ट का एक कॉल आ रहा है। इसका मतलब कि हमारे बॉर्डर पे कोई टच किया तभी ये कॉल आ रहा है। इसका जो मैकेनिज्म वर्क करेगा, इसको कट कर देते हैं हम, इसका जो मैकेनिज्म वर्क करेगा, ये देखिए ये वायर बना के रखे हुए हैं, ये वायर लगाएंगे वहाँ पे, वायर से इनका जो सेंसर है वो अटैच रहेगा, सेंसर से सेंसर बोर्ड से आपका ये मोबाइल फोन भी अटैच रहेगा। मोबाइल फोन का जो ये प्रेस वन वाला बटन है, प्रेस वन वाला बटन के अंदर सर्किट सर्किट वाला जो पार्ट है वहां से दो वायर आएंगे और इनके सर्किट में मैकेनिज्म में फिट होगा, ताकि ऑटोमेटिक वो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो वन प्रेस करे वो चिपकने के बाद, और वहां पे अलार्म बज जाए और एक कॉल चले जाए वार्निंग वाला कि यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। तो इसमें ये प्रोजेक्ट को कैसे किया, आपके मन में कहाँ से ये सवाल आया? ये सवाल आया जैसे कि हमारे सैनिक सबको अगर सोए देख लेते हैं तो ऐसे घुसपैठे घुस जाते हैं, तो इसे मेरे ख्याल में आइडिया आया कि इसको काहे न रोका जा सके, तो ऐसे अगर सैनिक हमारे शहीद होते रहेंगे तो लाखों सैनिक ऐसे शहीद हो जाएंगे, तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा, उसी का इसके चलते हमने इसको दिमाग लगाया। बिहार में कंपोनेंट की मतलब की कमी है, यहाँ पे जो एडवांस सब कंपोनेंट है वो मिलता नहीं है जल्दी, मिलता नहीं है, और आप कबाड़ से ये सब चीज़ कर दिए, कैसे करके दिखाए? कबाड़ से जैसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो हमें चाहिए वो तो मिलता नहीं है, जो मिलता है तो उसी से हम कबाड़ के आप क्या जुगाड़ करते से हैं क्या अपने बताइए। बनाते हैं, तो कबाड़ के जुगाड़ से बनाते हैं, जो नहीं बनता है तो उसको मदद के थ्रू बनाते हैं। अच्छा, आपको अभी तक मदद करने के लिए कौन कौन आया आपके पास? अभी मेरे पास अभी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। सबसे पहला चैनल हमारा सिल्क टीवी है, जो इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट को ये कवरेज दे रहा है। आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये राजा भी अपने प्रोजेक्ट को लोगों के सामने रख पाए और दिखा पाए अपना टैलेंट देश के लिए, ये देश का मतलब अच्छा भविष्य का कामना करने के लिए, वहाँ जो लोग शहीद हो रहे हैं उनको बचाने के लिए ये अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है। बाकी किसान के लिए भी प्रोजेक्ट लाया हुआ है, सेम सेम बेसिस पे वो भी प्रोजेक्ट काम करेगा। खेत के अंदर अगर कोई भी पशु अगर इंटर करना चाहेगा तो उसको ये रोक सके। तो हाँ खेत वाला में क्या क्या कुछ एडवांस ऑप्शन है तो वो भी बताइए। हाँ जैसे कि खेत में अगर किसी एक साइड अगर लगा दिया जाए, मेरा एडवांस टेक्नोलॉजी जो बना है वो लगा दिया जाए, अगर कोई भी जैसे कि खेत में घुसने का कोशिश करता है, जैसे नीलगाय सब वगैरह अगर हमारे फसल को नुकसान कर देता है, तो जैसे घुसने का कोशिश करे हमारा सेंसर उसको एक्टिवेट करके वो अलर्ट करने लगे, अलर्ट करने के साथ उसमें लाइट जलने लगा, जलने के साथ वो फिर वो जैसे जिसका खेत है किसान को वो कॉलिंग भी कर देगा कि आपका खेत में ये पशु घुसा है, आप जा एक बार इसको आप वर्किंग करा के दिखाइए।
देख रहे हैं ये कितना बेहतरीन है, ऑन ऑफ ठीक है, इसको आप ऑफ कर लीजिए। आप ये प्रोजेक्ट देखिए कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, एक बार आप ताली अगर दे रहे हैं तो आपकी लाइट जल जा रही है। अगर आप घर में इस मैकेनिज्म को लगा रहे हैं सोए सोए एक बार आप ताली बजाएं और आपका बॉल जल जाए, ये कितना अद्भुत वाला बात है। देखिए बात यह है कि सबसे मेन बात है कि बिहार में होकर के एक छोटा सा गांव में होकर के जहां पे मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, एडवांस सर्किट अवेलेबल नहीं है, ये कबाड़ से ये सब चीज़ रेडी कर रहा है। आप देख रहे हैं ये कबाड़ का डब्बा है, बिल्कुल प्लास्टिक का डब्बा है, ये प्लास्टिक का डब्बा से ये सब चीज़ का विकसित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अचंभा वाला बात है। आप ये बताइए इतना सारा ये जो मैकेनिज्म पूरा लगा करके रखे हैं कितने दिनों से लगाए हैं आप? मैं बहुत दिनों से लगाया हूँ, बचपन से, मतलब बचपन से लगाया। हाँ, बचपन से कर रहे हैं। हाँ, आप अपना इस प्रोजेक्ट का एक कोई स्टोरी बताइए जिससे कि लोग इंस्पायर हो सके और ये चीज कर सके। ये तो मैं बचपन से मतलब मैं अच्छा लगता है ये सब करने में, तो और मैं इस चीज में मन भी लगता है और ज्यादा से ज्यादा हम जानते भी इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो स्कूल में आपको कोई सहयोग मिला? अभी तक तो हमें कहीं कहीं पे नहीं सहयोग मिला है। कोई नेता मंत्री आपका प्रोजेक्ट को अभी से पहले कभी देखे? नहीं, नहीं देखा है। कोई नहीं देखा? कोई नहीं देखा है। देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। देखिए इनका भी प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा सा प्रोजेक्ट है, प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना 15 साल के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। और ये देखिए रोबोट्स पर भी काम कर रहे हैं ये, और एक इधर ये भी रोबोट है जो कि रेस्टोरेंट में खाना परोसने वाला रोबोट है, इस पर भी ये काम कर रहे हैं। बाकी किसान का जो एक प्रोजेक्ट है जो खेत में लोग खेत में गाय नील गाय वगैरह घुसती है उससे रोकने के लिए, और एक प्रोजेक्ट जो था आर्मी वाला प्रोजेक्ट था कि बॉर्डर पे कैसे हम घुसपैठिए से बचाव करेंगे और सैनिक जो इतना ज़्यादा मरते हैं वो उनमें जो कमी आए ताकि सिक्योरिटी सिस्टम पूरा यहाँ का सही हो सके। ये जो है आपका ये जो गांव और प्रखंड पड़ता है ये हाँ। सलेमपुर सैनी हाँ। कहलगांव प्रखंड के अंदर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये हाँ। तो जो भी मीडिया लोग इस कवरेज को देख रहे हैं एक बार इनके पास ज़रूर आएँ, इनका भी सुने, क्योंकि ये भी बहुत ही आगे जाना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आम पब्लिक को या फिर नेता को अपने स्कूल को? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको मतलब सपोर्ट कीजिए कि आगे आगे तक हमें पहुँचाइए। आप ये प्रोजेक्ट सब बना के क्या करना चाहते हैं? मैं इस प्रोजेक्ट सबको आगे बना के मतलब अपना यूज में लाना चाहता हूँ, ताकि जैसे अभी किसान भाइयों के लिए मैं बनाना चाहता हूँ। किसान भाई के लिए एक प्रोजेक्ट आप बनाए थे जैसे आम का पौधा को वो जैसे धोते हैं या फसल को धोते हैं तो 6,000-7,000 रुपये मशीन का लग जाता है। आप कम में अवेलेबल कराए, 1500 से 1800 में अवेलेबल करा दिए हैं। वो मशीन को आप दिखाइए एक बार, आप नीचे अभी दिखा रहे थे कुछ देर पहले, वो दिखाइए एक बार, आप ऊपर करके इसे दिखाइए टांग के, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये मशीन है, ये मशीन काम कैसे करता है ये बताइए आप। ये मशीन को इधर से पानी में डालते हैं और इधर से इसका स्प्रे है। स्प्रे है हाँ। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी वाले जो बना करके पूरा, अच्छा ये स्प्रे है हाँ। कहने का मतलब कि जो कंपनी वाले बना के देते हैं 6,000-7,000 रुपए लेते हैं, जो ये राजा भाई ने जो बनाया है इसमें क्या है कि ये एक मैकेनिज्म है, एक डब्बा और एक बैटरी लगेगा और ये पाइप, और इसके अलावा इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है और स्प्रे भी काफ़ी अच्छा करता है। तो ये सब प्रोडक्ट को मार्केट में लाना बहुत ही ज़रूरी है, और देसी प्रोडक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ ज़्यादा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो राजा को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और इनके पास एक बार आइए, इनका प्रोजेक्ट को देखिए और इनको भी एक स्थान दिलाइए। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।